हे गाइस, सो बहुत दिनों बाद मैंने मेरी बाइक को ज़रा सर्विसिंग करा के एक नया गैजेट इंस्टॉल किया है। ये है ट्विन एलईडी लैंप्स। एक्चुअली ये मैंने रिसेंटली फिट करा है क्योंकि मेरी स्कोडा बंद है, ये ड्राइव नहीं कर सकता। और उसके अलावा अभी मुझे गाड़ी की ज़रूरत है तो मैं अपनी बाइक यूज़ कर रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद यूज़ कर रहा हूँ। और अभी विजन बहुत कम हो रही है, लाइट बहुत कम गिर रही थी, इसलिए मैं सोचा एक्स्ट्रा विजन बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा लाइट्स बिठा दिए और ये लाइट काफ़ी अच्छे है, बहुत अच्छे हैं। और मैं पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ इसको, बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा हाई पावर है। ये डायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट कनेक्शन से कनेक्ट किया हुआ है। और एक स्विच है जिससे मैं उसको ऑन ऑफ करता हूँ। और ऑफ कोर्स इग्निशन पे बंद हो जाती है, इग्निशन पे ही ऑन होती है। सो कोई भी ऑन नहीं रख सकता, तो बैटरी कंज्यूम जब गाड़ी चलेगी तभी यूज़ होएगा, मतलब जब यूज़ में रहेगी गाड़ी तो ही चलेगी। सो मैं चलो आपको एक राउंड मारता हूँ और फिर दिखाता हूँ कैसा परफॉर्मेंस है, और फिर इसके बारे में बात भी करते हैं। सो ये गया मेरा गोप्रो और मेरा हेलमेट ऊपर। सो लाइट चालू थी और फिर भी स्टार्टर बहुत अच्छे से काम करता है। मेरी बैटरी बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ महीनों पहले बिताया था मैंने। हालांकि मेरे ऑफिस और रेगुलर कम्यूट के लिए मैं मेरी बाइक ही यूज़ करता हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ उसको स्टॉक हेडलाइट पर चला रहा हूँ। और ये स्टॉक हेडलाइट पे ऐसे दिख रही है बस, ठीक है, ये नॉर्मल है। और इसके मैं डिपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे रास्ते पे चलते हैं जहाँ पे लाइट थोड़ी कम रहती है, तो आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओके, तो काम करते हैं, घुमा लेते गाड़ी, मुझे अच्छा रास्ता मिलता है जहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है। तो ये मेरी नॉर्मल लाइट है और येलोइश कलर की आपको दिख रही है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल लीड रोड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जो रोड पे लाइट कम है और सामने से फोकस जाता है, ज़्यादा आ रहा है, उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है आँखों पे। इसलिए मैंने ये एडिशनल लाइट बिठाई है और अभी ज़रूरी हो गई है क्योंकि कार्स, बाइक्स सबके फोकस इतने ज़्यादा ब्राइट है। और ये मेरी बाइक ऑलमोस्ट अभी 9 से 10 साल पुरानी हो गई है, सो इसकी लाइट काफ़ी कम गिरती है। इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तब इतनी ज़्यादा लाइट नहीं आती थी। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको दिख रहा रहेगा वाइट फोकस स्टार्ट हो गया है और मैं अपनी स्टॉक हेड लाइट बंद कर दिया है। और ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, रात के 12:30 बजे, इसीलिए मैं रात को लेके निकला हूँ क्योंकि गर्दी कम रहती है, थोड़ा चलाने में भी आसान है। प्लस ये जो दो लाइट है बहुत इतनी ज़्यादा पावरफुल है, सामने वाले के आँखों में चुभती है, सच में, मेरा यकीन कीजिए। मैं जब मेरे भाई को चलाने बोला था ये बाइक और मैं सामने खड़ा था, तो ये लिटरली आँखों में चुभती है। शाम में मैं इसको लेके बाज़ार गया था तो जो भी सामने से पैदल चलने वाले लोग आ रहे थे अपने आँखें नीचे कर ले रहे थे या गर्दन झुका दे रहे थे या इधर उधर देख रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प लाइट है। और अभी दोनों लाइट्स ऑन है, मेरी लाइट प्लस ये, लेकिन ऊपर स्ट्रीट लाइट ऑन होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिख नहीं रही है, बट ज़रूरत ही नहीं एक्चुअली। लाइट दोनों बंद कर दूँ तो भी मुझे सामने का सब कुछ दिख रहा है। प्रॉब्लम जब होता है जब हम लोग रात में लेके निकलते हैं गाड़ी और स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है, या तो अंधेरा होता है या फिर किसी रूरल एरिया में चले गए जहाँ पे लाइट नहीं होती है, तो तब इसका फ़ायदा है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और वो रास्ता आ गया जिसका मुझे ज़रूर इंतज़ार था। तो ये मैं रिव्यू की कर रहा हूँ क्योंकि अनबॉक्सिंग बहुत लोग करते हैं। सो लुक एट द लाइट, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाइक की लाइट है, ऐसा लग रहा है किसी कार की लाइट है, फोर व्हीलर या पीछे से एक आ रही है, ये इतनी ब्राइट नहीं होगी। मैं सिर्फ मेरी लाइट बंद करके दिखाता हूँ, लाइट बंद कुछ भी नहीं, लाइट ऑन फुल लिट।
काफ़ी अच्छा फोकस है। और अभी मैं मेरी स्टॉक हेडलाइट भी ऑन करता हूँ तो थोड़ा सा येलोइश फील भी आ जाता है सेंटर में, और ये साइड से दो फॉग लाइट अच्छा लगता है, गाड़ी चलाने में भी कंफर्टेबल लगता है, प्लस कॉन्फिडेंस भी आता है, खड्डे वगैरह सब दिखते हैं। तो हम लोग इसका फ़ायदा ये है कि गाली देना बंद कर दिया मैंने गवर्नमेंट को खड्डों की वजह से। ठंड बढ़ गई है पुणे में, अच्छा है। मैं रात के 1 बजे रिव्यू कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, मेरा चैनल थोड़ा बड़ा करो, एडसेंस अप्रूव होना चाहिए यार, पैसे आना चाहिए, शेयर करो ज़रा। और ये LED होने की वजह से एक फ़ायदा ये है कि बैटरी कम खाता है, ऑफकोर्स थोड़ी एडिशनल खाने वाला है क्योंकि दो एडिशनल लाइट्स है, और आई गेस ये 18+18 36 वाट पावर आउटपुट दे रहा है ऑफकोर्स। और ये नॉर्मल लीड रोड पे आ गए हम लोग। सो यही रिव्यू था। मैं काम करता हूँ, सामने थोड़ा रोक के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कनेक्शन वायरिंग और इसका कितना खर्चा हुआ मुझे। ओके, ये अच्छा एरिया है, कुत्ते भी है, गुड भाई, आओ मत, काटो मत, वो लोग भी डर रहे हैं, मैं भी डर रहा हूँ, वो भी डर रहे हैं। गाड़ी ऑन रखता हूँ। सो ये है कनेक्शन, मैं कैमरा निकाल रहा हूँ। तो ऐसा है कनेक्शन के दो LED बार है, यहाँ पे एक और वहाँ पे एक, मैंने बोला था यहाँ पे लगाओ लेकिन कुछ कमी की वजह से उसने बोला कि यहाँ पे लगाना कुछ खास नहीं है, प्लस मेरा इंडिकेटर भी टूट रहा है। ओके, अच्छा हो गया, दिख गया, आई नीड टू फिक्स दिस। और ये मेरी स्टॉक हेडलाइट, ऑफकोर्स जो AC करंट पर चलती है इसलिए मैं अभी गाड़ी चला नहीं रहा हूँ तो वो लो लाइट पर है, लेकिन जो LED लाइट है काफ़ी ब्राइट है, मज़ा आ जाता है। स्टॉक हेडलाइट बंद कर देता हूँ, अब देखो सही है, गाड़ी चलाने में मज़ा आ जाता है, प्लस कंफर्टेबल। तो इसको मैंने दोनों बार को ख़रीदा 800 रुपीज़ में, और इंस्टॉलेशन के कुछ 200 रुपये, वैसे मुझे कुछ 1000 रुपये में पड़ी है, लेकिन फेयर डील और वर्थ है। आई वुड रिकमेंड कि हर कोई यूज़ करे जो भी यूज़ करना चाहता है डेली बाइक की, जिसका है और विजन इश्यू है, या तो फिर आपको ज़्यादा ब्राइट लाइट की आदत गिर गई है मेरे जैसे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ख़रीदो और यूज़ करो। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो यार प्लीज़, कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है यार। ओके, सो अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो यार मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा। सच में महंगा सा कैमरा ख़रीदा है यार, लेकिन मोटिवेट करो यार प्लीज़। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।